हाय, माय नेम इज समादली। हमारे क्लोज एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के आज का टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग यूजफुल टूल है इंटरेक्ट करवाने के लिए यूजर को किसी भी एप्लीकेशन के साथ। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, यूजर से डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो एप्लीकेशन है उसको उन इवेंट की बेस के ऊपर या जो हमारी यूज़र एक्शंस हैं उनकी बेस के ऊपर उनको प्रोसेस करती है और फिर उसको उसका रिजल्ट जनरेट करती है। ये इवेंट्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया है या हमने किसी टच किया है, या हमारे जेस्चर्स हो सकते हैं या हमारी डिफरेंट तरह की कीबोर्ड्स के भी लिस्टर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हैं उनके ऊपर टच स्क्रीन होती है, कीबोर्ड और माउस वगैरह अवेलेबल नहीं होते। इसमें हमारे पास तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर हमारे पास बेसिकली एक इंटरफेस होता है जिसमें डिफाइन होता है एक कॉल बैक मैथड। ये कॉल बैक मैथड जब कोई इवेंट अकर होता है तो उसके अगेंस्ट हमने जो एक्शन करवाना होता है ये हम कॉल बैक मैथड में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हम उस इवेंट को उस जिस कंपोनेंट के साथ हमने एसोसिएट करना होता है उसके साथ उसको रजिस्टर भी करवाते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है इसके अलावा हम एक अलहदा से क्लास डिफाइन करते हैं इवेंट हैंडलर की। इवेंट हैंडलर बेसिकली जो हमारा इंटरफेस है जिसको हम बोल रहे थे लास्ट स्लाइड के ऊपर कि हमारा इवेंट लिस्नर है उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये इवेंट हैंडलर क्लास जो है हमारी उसको हम यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, यानी कि जब हम रजिस्टर कर रहे होते हैं अपनी क्लास को, इवेंट रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जिस क्लास के ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है वो इवेंट हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम कुछ वेरियस काइंड ऑफ लिसनर्स को देखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कुछ हम इस लेक्चर में करेंगे और कुछ को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ऑन क्लिक लिस्नर, ऑन लॉन्ग क्लिक लिस्नर। ऑन क्लिक लिस्नर जो है वो अगर किसी बटन, टेक्स्ट या इमेज के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं या टैप करते हैं तो ये वाला लिस्नर जो है वो कॉल हो सकता है अगर हमने इसको रजिस्टर किया होगा उस कंपोनेंट के ऊपर। और इसी तरह अगर हम मोर देन 2 सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करें या क्लिक करें तो उस सूरत में ऑन लॉन्ग क्लिक लिस्नर जो है वो कॉल होगा। और ये तमाम लिस्नर सिर्फ उसी सूरत में कॉल होंगे अनटिल अनलेस जब हम उन कंपोनेंट के अगेंस्ट इनको रजिस्टर करवाएंगे। इसी तरह हमारे पास ऑन फोकस चेंज लिस्नर है। ऑन फोकस चेंज लिस्नर बेसिकली इसी तरह है कि अगर आपने किसी कंपोनेंट को फोकस कर रहे हैं और जैसे हम किसी दूसरे कंपोनेंट की तरफ जाएंगे तो जैसे ही वो अपना फोकस लूज करेगा तो फोकस चेंज लिस्नर का जो इवेंट है वो कॉल हो जाएगा। इसी तरह जब दोबारा उसके ऊपर फोकस करेंगे तो उस सूरत में भी यही लिस्नर जो है वो आपको कॉल बैक इसका एग्जीक्यूट कर देगा कि ये फोकस चेंज हुआ, यानी जिस कंपोनेंट के ऊपर इसका फोकस आया वो उसको भी बता देगा। इसके अलावा हमारे पास और जो लिसनर्स हैं वो मेन्यू आइटम क्लिक लिस्नर भी है। मेन्यू आइटम क्लिक लिस्नर हम तब डिस्कस करेंगे जब हम जो मेन्यूज जो हैं उनको जनरेट कर रहे होंगे, और ऑन टच लिसनर्स को जो है हम तब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उनको देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से जेस्चर्स की मूवमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है तो डिफरेंट जेस्टर्स को ये कैसे हैंडल करता है इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया इवेंट मैनेजमेंट के नाम से, और यहाँ पे हम लेआउट में जाएंगे और एक्टिविटी मेन के अंदर हम कोई भी कंप्लेंट क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मली जो लिसनर्स के जो इवेंट्स हैं वो हम कॉल करते हैं बटन के ऊपर, लेट से यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। जो इसके मस्ट हैं एट्रीब्यूट डिफाइन करने, वो इसकी हाइट और ब्रेथ है। तो हम इसकी हाइट और ब्रेथ को डिफाइन कर देते हैं, लेआउट हाइट और लेआउट ब्रेथ से इसके मस्ट डिफाइन होने वाले एट्रीब्यूट है। लेट्स से इसकी आईडी भी डिफाइन कर देते हैं। क्लिक बटन, और टेक्स्ट क्लिक में, इसको हमने डिफाइन कर दिया। बाकी इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगी इसको हम डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से इसको हम कह देते हैं मिड में ले आते हैं, करती है। तो ये हमने इसको थोड़ा सा थोड़ा सा उधर उसको खत्म किया, ये हमारे पास मिड में एक बटन आ गया है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाके बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। बटन ब्यूटी लेट्स से फिलहाल ब्यूटी नहीं रख लेते हैं। फाइन ट्रू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास है बीटीएल, इसको हम असाइन कर देते हैं बीटीएल को। बिटवीन क्लिक बटन पर अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इवेंट लिस्नर की, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, वो ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पे हमें इसको पास करना है ऑन क्लिक लिस्नर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है जो के हैंडलर है। अभी फिलहाल हमारे पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बेसिकली वो क्लास नहीं है बल्कि इंटरफेस है। तो इंटरफेस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बना के उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं, उसका नाम लेट से करके रखते हैं बटन हैंडलर, और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पे ये तुझे बताएगा कि इसका एक फंक्शन है ऑन क्लिक जिसको इंप्लीमेंट करना है। लेट्स से दोस्त कॉल कर लिया हमने, यहाँ पे जब भी बटन क्लिक होगा तो उसके ऊपर एक दोस्त कॉल होगा, तो ये दोस्त हमें यहाँ पे डिफाइन कर दे। दोस्त को यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट हम इसका ले लेते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं इसके जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेस के साथ आएगा और दूसरे वाला कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही आएगा। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हम अपना मैसेज लिखेंगे बटन
और उसके बाद हम टूल्स की लेंथ बता देंगे और उसके बाद हम इसका फंक्शन शो कॉल करते हैं। ये ऑन क्लिक फंक्शन तब कॉल होगा जब कभी भी बटन क्लिक होगा तो इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी लिखी है वो कॉल हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने इस क्लास के उस बटन के साथ कोई लिंक नहीं किया, तो वो हम दोबारा मेन एक्टिविटी में आएंगे। यहाँ पे आगे जो हमने नई क्लास बनाई है बटन हैंडलर के नाम से, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट से बी एच इसका हैंडलर है, इसको दो चीज़ें इसको पास करनी है, नेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करना है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हम इसे पास करते हैं। अब जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कौन सा कॉल होगा? जो ऑन क्लिक को डिफाइन किया है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बटन के ऊपर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था ऑन क्लिक के अंदर टूल्स के अंदर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि बटन के क्लिक के ऊपर सिर्फ टूल्स ही कॉल हो, हम जिस किस्म का भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस कोड के अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म का टास्क हो सकता है, किसी किस्म का भी कोई प्रोसेस हो सकता है जिसको हम कॉल कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे जो हमने कोड किया हुआ है ऑन क्लिक के अंदर। वापस अपने कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी यहाँ में हमने जो क्लास डिफाइन किया है वो हमने मेन एक्टिविटी से बाहर किया है। इस क्लास को हम मेन एक्टिविटी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। बाहर क्रिएट करने का फायदा हमें ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बाहर हम तब क्रिएट करते हैं जब उस क्लास को हमने कहीं और भी यूज़ करना। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के लिए ही यूज़ होगी, क्योंकि जो बटन्स हैं वो नॉर्मली दूसरी क्लास के जो बटन होंगे या दूसरी एक्टिविटी के जो बटन होंगे उनकी अपने ही कोड होंगे या उनकी अपनी ही वो होगी, फंक्शनैलिटी होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर इस क्लास को यहाँ से रिमूव कर दूँ और अपनी एक्टिविटी वाली क्लास के अंदर ही इसको कॉल कर लूँ तो इवन देन मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और मैं इसको बंद करके फिर दोबारा चलाऊँगा तो ये कोड मेरा बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ हम इसको फर्दर भी नैरो डाउन कर सकते हैं, यानी कि हर बटन की अपनी फंक्शनैलिटी होती है। ज़रूरी नहीं कि हर क्लास के जो हर एक्टिविटी के जो बटन हैं उनकी फंक्शनैलिटी सेम हो। एक एक्टिविटी के हर बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो अमूमन डिफरेंट होती है, में ज़्यादातर है वो डिफरेंट होती है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि हम सिंपल यहाँ पे इस एक एनोनिमस क्लास बनाएंगे और उस एनोनिमस क्लास के ऊपर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेट्स से इसको अभी नहीं छेड़ते हैं, यहाँ पे एक एनोनिमस क्लास बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? बेसिकली किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट होता है, इस वजह से कि उसके अंदर कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। तो अगर हम उस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट ना रहने दें तो हम उस क्लास को ऑब्जेक्ट या उस इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम उस मेथड को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लास का मेथड इंप्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको किसी भी किसी ऑब्जेक्ट को साइन करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको देख देता हूँ ऑन क्लिक लिस्ट में, और ये तो यहाँ पे मैं ये हैंडल को पास कर सकता हूँ। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे पास कोई एरर नहीं, और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन बंद हो गई, और दोबारा कंपाइल करके चलाने पे मेरे पास आउटपुट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने ऑन क्लिक में कुछ लिखा नहीं है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको बाकी कोड को हम बेशक रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक्टिविटी के अंदर बैठे हुए हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट हमें मिलेंगे। इसके अलावा हम इस कोड को मज़ीद सिंगल लाइन में भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इस टोस को यहाँ से स्किप करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। अगेन मेरे पास जो आउटपुट है वो सेम है जी। इसके अलावा जो हमारे पास एक तरीका और है बटन के ऊपर लिसनर को इंप्लीमेंट करने का, वो ये है कि हम एक और बटन डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। लेट से इसका नाम क्लिक बटन टू रखते हैं, क्लिक, और इसको भी टू ही डिफाइन कर दिया। और जो हमारा सेकंड बटन है ऐसे, और हम ये बटन साइड बाय साइड हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा जी, हमारे इसमें ये है कि यहाँ पे हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे कि ऑन क्लिक होने पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कह रहा था ऑन क्लिक होने पे, क्लिक टू जो है वो कॉल हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, मेन एक्टिविटी के अंदर इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक void click to जब हम यहां पे जाकर देखेंगे तो ये एरर भी यहां से रिमूव हो जाएगा। और जो हम फंक्शनैलिटी इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे वो बटन टू के क्लिक के ऊपर आ जाएगी। बटन टू के क्लिक के ऊपर अगर हमने देखा है तो हमने उसी फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे ये वाली फंक्शनलिटी कॉल होगी। तो हम इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने इंटरफेस को और इस तरीके से भी लिसनर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने मिस की है जो आपको बताना ज़रूरी है कि एक पैरामीटर जा रहा है ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे व्यू के नाम से, और ये जो हमने खुद से भी एक फंक्शन बनाया है जिसके अपनी मर्जी से नाम रखा है वहाँ पे भी एक पैरामीटर पास किया है व्यू का। तो ये व्यू बेसिकली वो व्यू है जिसके ऊपर हमने लिसनर को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, इसके अलावा जो ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, व्यू लॉन्ग क्लिक लिसनर, और इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम लेट से देख देते हैं लॉन्ग प्रेस्ड, ठीक है जी, क्योंकि हमारी यहाँ पे फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम सिंगल क्लिक करें तो हमारे पास आ रहा है बटन क्लिक, लेकिन जब इसको प्रेस करें तो फिर यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग प्रेस। अगर सिंपली क्लिक करें बटन क्लिक, लॉन्ग प्रेस करें तो लॉन्ग प्रेस।
इसी तरीके से चूंकि ये सेट ऑन क्लिक लिस्ट जो फंक्शन है ये व्यू का है, और व्यू हम जानते हैं कि पेरेंट क्लास है उन तमाम कंप्यूटर्स की जो भी एक्टिविटी के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। तो इस सेट ऑन क्लिक लिस्टर को हम किसी भी व्यू के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, चाहे वो एडिट टेक्स्ट हो, और चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स व्यू हो। आज के लिए इतना ही। अभी फिर हमने जो ऑन टच लिस्टनर है उसको हम नेक्स्ट वेब एक्टिविटी में देखेंगे, और इसके साथ जो एक जो आपके लिए काम है वो ये है कि आपने एक असाइनमेंट बनानी है जिसमें ये है कि आपने दो एडिट टेक्स्ट इंप्लीमेंट करने हैं, और उन एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपने ऐड करके एक टेक्स्ट व्यू पे शो करवाना है। और ऐड करने के लिए जो हमारे पास एक्शन लिस्टनर होगा वो बटन के ऊपर होगा, आपने उसको टैप करना है तो आपके पास आंसर जो है वो एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, इस हवाले से कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।